गोमती घाट का व्यू बहुत गहरा, और आपको एक चीज दिखाता हूँ बहुत तगड़ी। बोल द्वारकाधीश की। ये रहा मंदिर और ये रही ध्वजा। हरे कृष्णा। भाई नाव आके रेडी, 9:30 बज रहे। और भाई ये हम लोग का रूम था। अरे भाई इधर अपना चादर सुखा रहे बाहर। वेलकम बैक टू एनी अदर ब्लॉग गाइस। सो आप सबने लास्ट ब्लॉग देखा, आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताना। और आज एक फिर से द्वारकाधीश के लिए हम लोग निकल रहे हैं। अभी सुबह 6:30 बजे वाली आरती तो वेलकम ब्लॉग टू द गाइस पॉसिबल नहीं थी, तो हम लोग रात को 2 बजे सोए हैं। और अभी 12:30 बजे की आरती है। अभी यहाँ से 10 बजे का हम लोग का चेकआउट है। और ये भाई हमारा बेड वेड सब अच्छे से, बहुत बढ़िया था। मतलब भले हम लोग ने देर तक बोलते हैं ना, देर से मिला अच्छा मिला, बढ़िया था यार। 1200 में इतने खराब भी मिल रहे थे ना, तो ये तो उससे बढ़िया। और ये भाई बाहर का व्यू मतलब बहुत ही प्यारा है यार, एक नंबर लग रहा है। देखो अच्छा लग रहा है, ट्रेन के डिब्बे माफी के बहुत ही लाइक बहुत बेहतर। ये बाजू में और भी एक है। और ये बाहर का व्यू धर्म लाइक इसको धर्मशाला बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। और मेरे पास कार्ड है, अगर आप आना चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लेना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट मार लेना अगर आपको आना हो तो। एक सीन दिखाओ आपको, एक सीन दिखाता हूँ। आ जाओ, ये ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया, इधर फोटो शूट चल रहा है। और ये सामने द्वारकाधीश मंदिर, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी अपने को कैसे जाना है वो देखना पड़ेगा। और भाई ये सुबह की धूप, इधर फोटो सीजन चल रहा है। अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ये था अपना 110 रेडी फॉर लीव। चलो अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, फिर कुछ चाय नाश्ता करते हैं। क्या भाई चाय वाय पीना, नाश्ता करना है? चलो यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पे सिस्टम ही सिस्टम है, बढ़िया बढ़िया नज़ारे। जय श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका में आप सभी का स्वागत है। भाई अभी नाश्ता मंगाया मैंने, तो अपने लिए ठेपला मंगाया और ये इडली अमन। और भाई जय अपना डोसा खाने के लिए बाहर गया, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो बाजू में खा रहे हैं। और अभी टेस्ट कर रहे, कैसा है भाई? मध्यम मनन इडली अच्छा है ना। ठेपले की बारी। भाई ये था श्री द्वारका द्वारके भोजनालय, एक नंबर बढ़िया था। चलते लोग आगे जाए भाई, आप लोग भी आके यहाँ पे खा सकते हो नाश्ता। 20 रुपये में पवा, मतलब जो भी है डिश 20-20 रुपये है पर प्लेट। 2-3 मैंने तो ढेपला खाया भाई, बहुत बढ़िया था। 3 प्लेट खाया, इसने एक इडली लिया था, उसने ढोकला लिया था, बढ़िया था भाई। 160 रुपये में हमने अच्छे से खा लिया, नाश्ता हो गया। अब चाय के लिए किधर बाहर एक अच्छी जगह दिख रही है, क्योंकि यार यहाँ से होटल वालों की चाय थोड़ी अजीब होती है। वो जो चाय वाला अच्छा होगा वहाँ पे चाय वाय पियेंगे, फिर मंदिर में जाकर सबसे पहले ये बैग रखने के लिए लॉकर ढूंढना है, लॉकर ढूंढेंगे। और फिर 12:30 बजे की आरती है, वो आरती लेनी है। भाई रात को यही सब गलियों में घूम रहे थे हम लोग, घूम फिर के सब एक ही जगह मिलती है, वो सर्कल पे पीछे वाले। कितने भी गली में भी घूम लो, सब ये सर्कल पे आके मिलती है। पहले मंदिर के वहां पहुंच के अपने को लॉकर ढूंढना है ना, लॉकर में भी लाइन होगा। मेडिकल, हाँ मेडिकल तो मिल जाएगा रे, इनके तीनों कुर्ता वाले। मैं अकेला खाली भाई, मैं कुर्ता वर्ता पहनता नहीं इसके लिए। कभी ट्राई करेंगे अच्छे से, अपन भी अपने ले लेंगे तब। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। भाई चाय पी रहे, भाई काका ने चाय पिला, एक नंबर चाय थी। लो भाई द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन कर लो, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ये लोग कहाँ गए, मेरे को अभी ये लोग को ढूंढना पड़ेगा। देखो उधर सीधा जा रहे, अभी यहाँ पे लॉकर लॉकर का जुगाड़ कर रहे, लॉकर कहाँ मिलेगा। क्राउड है यार, एंट्रेंस है ये मंदिर का लग रहा है।
भाई फाइनली द्वारकाधीश का दर्शन हो गया। बोल कृष्ण भगवान की जय। द्वारकाधीश जय द्वारकाधीश। और भाई अभी निकल लिए, 1 बज गए दोपहर के, और अभी भाई धूप गर्म हो रहा है ना यहाँ पे। अब यहाँ से वापिस जा रहे हैं घूमती घाट है ना, घूमती घाट जा रहे हैं फोटो वीटो के लिए। हम लोग जाके आए थे, देखो सामने ही है, हम लोग अभी जाके आए थे पर फोन यहाँ पे लॉकर में जमा था। अभी बैग भी लेके एक बार फोटो वोटो खिंचाएंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। और यहाँ पे लॉकर वीकर की सुविधा सब कुछ है। ये चौराहा है, ये लोग स्कूटी भी रेंट कर रहे हैं। हाँ वो देखा मैंने, वो पूछा नहीं मैंने, उधर वो बोर्ड मारा हुआ वो देखी मैंने भी। अपना रूम का सबका पैसा बच जाएगा तो वो स्कूटी रेंट, स्कूटी लेके रेंट करके जाएगा। का अपने को यहाँ नहीं आना ना, अपनी ट्रेन ओखा से तो अपने को निकल जाना ना, यहाँ नहीं आना अपने को रिटर्न। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग होते हुए ओखा होके बेट द्वारका जाएंगे, बेट द्वारका से फिर रिटर्न ओखा, ओखा से फिर अपन निकल जाएंगे। उनको आने से थे वो लोग ले रहे, कुछ खरीदी कर रहे हैं यहाँ से। चलो घूमते बीच पे मिलते हैं। तो भाई ये सामने जो आप देख रहे हो सुदामा सेतु है। मनो ए जय किधर है भाई, बैग तो नीचे आ गई। भाई सामने देख रहे हो सुदामा सेतु, ये अपन जा रहे घूमती घाट पे जा रहे, थोड़ा फोटो शूट करेंगे। तो भाई ये घूमती घाट का व्यू बहुत गहरा, और आपको एक चीज दिखाता हूँ बहुत तगड़ी। बोल द्वारकाधीश की। ये रहा मंदिर और ये रही ध्वजा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भाई यहाँ पे ना बहुत गर्म हो रहा है, तो भाई अभी ना यहाँ से थोड़ा फोटो वीटो क्लिक करेंगे, और अभी यहाँ से सीधा निकल जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। मतलब ये वाले साइड पे ना मतलब कम क्राउड है, और वो साइड जाओगे ना देखो पूरा भरा हुआ है, पूरा ना ए टू जेड भरा हुआ है। हमने ये वाला साइड चूज किया, स्टार्टिंग से यहीं से आ गए। यहाँ पे अभी क्राउड कम है। और भाई ये रे मंदिर, जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा। अभी फोटो वोटो खिंचा के यहाँ से निकलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। और भाई ये देखो फिश दिख रही है, इतना साफ पानी है। मुझे तो धूप है और तो दिख नहीं रहा है, बट आपको दिख रहा होगा। भाई फिश देखो क्या ही पानी एकदम साफ, ए मनिया अनगिनत फिश है। चलो सी यू सून द्वारकाधीश टेम्पल। हरे कृष्णा। चलो यहाँ से निकल रहे। लो भाई ये रहा अपना द्वारकाधीश मंदिर, फिर जहाँ पे सुबह नाश्ता वास्ता किए थे फिर वहीं जा रहे हैं। सब ले लिया ना, सब 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 ले लिया, और जहाँ से सुबह नाश्ता किए थे वहीं जा रहे हैं, वहीं से खाना खाएंगे, वहीं पे हम लोग की डील हुई है। भाई सुबह जहाँ नाश्ता किए थे वापस वहीं पे आ गए हैं, 500 मीटर लंबा होटल से। यहाँ पे 65 रुपीज में खाली है, तो हम लोग ने बोला यही अच्छा है भाई यहीं से खाते हैं। और खाना देखो अपने हिसाब से भाई रख देते हैं, वेस्ट मत करो अपने हिसाब से खाओ, ऐसा सीन है। देखो अपने हिसाब से लोग ले रहे हैं। यहाँ से खा वा के निकलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और भी फेमस मंदिर है लाइक वो वगैरह। खाना भी खाते फिर बता दो आपको क्या कही जाए।